अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बात करते हैं नशे की, तो नशे को छोड़ना जो है कोई आसान काम नहीं है, ना ही जो है इसे बगैर किसी इलाज के जो है जल्दी छोड़ा जा सकता है। नशे का इलाज है, प्रॉपर इलाज है, जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन है, साइकोलॉजिकल वर्किंग है, जिसमें जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद जो है साइकोथेरेपेटिक प्रोसीजर के जरिए जो है इनका इलाज किया जाता है। ग्रुप जो है डिस्कशंस की जाती है, इंडिविजुअल सेशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और जो है इनके लाइफ को जो है चेंज किया जाता है, इनके लाइफ के कुछ गोल सेट किए जाते हैं। तो नशे को छोड़ना ऐसे ही है जैसे जो है सहरा में सुई को ढूंढना। हर शख्स की एक अपनी लाइफ है, एक अपनी स्टोरी है, एक अपनी कहानी है और जो है वो उसी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे और वो अपनी उन्हीं ख्वाहिशात, उन्हीं जरूरत आते जिंदगी को जो है मद्देनजर रखते हुए नशे को इस्तेमाल कर रहे होते। बहुत सारे लोग जो है जब रिहैब करते हैं तो रिहैब के बाद जो है मजीद जो है दोबारा जाने के जो है चांसेस, जो है रिलैप्स के जो चांसेस होते हैं उसके पीछे बहुत सारी वजूहत होती हैं। बहुत सारी वजूहत को जो है अगर हम वन बाय वन जो है डिस्कस करें तो इसका मतलब ये है कि हर शख्स को जो है अलहदा अलहदा जो है बयान करना, क्योंकि इंसान जो है दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, इसी तरह जो है उसके सोचने समझने का जो अंदाज है वो भी मुख्तलिफ है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जब वो जो है रिलैप्स में जाते हैं तो उनकी जाने की वजह ये होती है कि उनकी ख्वाहिशात, कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हाथ ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमां मेरे फिर भी कम निकले, कि बाहर जाकर जो है इनको बहुत सारी जो है ख्वाहिशात पैदा होती हैं, किसी चीज के साथ इन्होंने एसोसिएट की होती है। कोई दोस्त मिलने आ गया, दिल में ख्वाहिश पैदा हो गई, एहसास होना शुरू हो गया, क्रेविंग होना शुरू हो गई, मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने इस्तेमाल करना है। कोई ऐसी जगह देख ली, फौरन से सारी जो है एक बार जो है रील या मेमोरी जो है या फ्लैशबैक आना शुरू हो जाते हैं कि मैं यहां बैठकर इस्तेमाल करता रहा। कोई ऐसा शख्स देख लिया जिसे खरीदता था, फौरन से एहसास होता है, जेब में हाथ जाता है, पैसे हैं कि नहीं है, मैं इतने का जो है इसे खरीदता रहा, क्योंकि इन्होंने जो है अपनी जिंदगी में नशे के सवा जो है कुछ ऐसा किया ही नहीं होता कि वो जो है सारी चीजें जो है उसके साथ एसोसिएट की जाए। इन्होंने जिंदगी में नशा किया होता है और नशे को जो है हासिल करने के लिए बहुत सारे जतन किए होते हैं, तो वो सारे जतन जो इन्होंने किए होते हैं, कोशिशें की होती हैं, वही कोशिशें वही जतन जो है इनको ख्वाहिशात जो है पैदा करने के लिए मजबूर करते हैं। तो जब कोई शख्स जो है किसी रिहैब से जो है रिहैब पूरा करवाने के बाद, अपना ट्रीटमेंट मुकम्मल करवाने के बाद जो है वापस बाहर जाता है तो अक्सर जो है उसकी ख्वाहिशात जिसके ऊपर वो काबू नहीं कर पाता वो जो है उसे दोबारा नशे की तरफ ले जाती है। दिल में एहसास पैदा होता है, ख्वाहिश पैदा होती है कि ये काम करो, वो मजबूर हो जाता है। जब तक करता नहीं है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, एनर्जी जो है उसके अंदर पैदा हो जाती है, एंजाइटी पैदा हो जाती है जिसकी वजह से वो जो है बेचैन हो जाता है, सोता नहीं है, कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाता, चीजों को सही तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और जो है आ जाकर मजबूर होकर जो है नशे की तरफ चला जाता है। तो इसीलिए जो लोग जिनकी ख्वाहिशात जो है अक्सर जो है वो उन्हें रिलैप्स की तरफ ले जाती हैं, नशे की तरफ ले जाती हैं, ऐसे लोग इनको चाहिए कि उन ख्वाहिशात को एनालाइज करें कि ये जो मेरी ख्वाहिशात हैं क्या मेरे लिए ठीक है, मैं जो कर रहा हूं क्या मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, मैं इन ख्वाहिशात की वजह से जो है अपनी जिंदगी में क्या क्या जो है कर चुका हूं, किन किन ख्वाहिशात की वजह से मुझे फायदा हुआ है और किन किन ख्वाहिशात की वजह से मुझे नुकसान हुआ है, कैसे जो है मैं अब ये जो ख्वाहिशात हैं जो उसने आइडेंटिफाई की हैं कि ये जो है मेरे फायदे की हैं और ये जो है मेरे नुकसान की हैं, उनमें तफरीक करना सीखे, फर्क निकालना सीखे। जब वो फर्क निकाल लेगा कि ये जो ख्वाहिशात हैं, ये जो एहसासात हैं, ये जो मेरे अंदर एहसास पैदा हो रहे हैं, मैंने इनके ऊपर काम नहीं करना, मैंने जो है इन इन ख्वाहिशात के ऊपर, इन इन एहसासात के ऊपर काम करना है। अगर मेरे दिल में नशे की ख्वाहिश पैदा हो रही है तो मुझे चाहिए उसको जो है काउंटर करने के लिए जो है कोई ऑल्टरनेटिव ख्वाहिश पैदा करें। दिल में ख्वाहिश पैदा हुई है कि मुझे सिगरेट पीना चाहिए तो उस सिगरेट को जो है किसी और चीज के साथ एसोसिएट कर ले,
कोई अच्छी चीज खा सकता है, बर्गर खा सकता है, पिज्जा खा सकता है, कोई और चीज खा सकता है जो भी उसके जो है पॉसिबल हो कि वो जो है उस टाइम अफोर्ड कर सकता हो, इजीली अवेल हो, कि लाजमी जो है वो सिगरेट के साथ ही एसोसिएट की है। इसी तरह अगर किसी एडिक्शन के साथ जो है एसोसिएट की हुई है चीजें, उनके लिए कोई काउंटर ढूंढे कि मैं जो हूं उस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकता हूं, कैसे जो है अपनी उन ख्वाहिशात को जो है जो उसने रिप्रेस करके रखी है रिहैब होम के अंदर या रिहैब के अंदर जो है, तो उनको जो है वो कैसे जो है ख्वाहिशात को जो है वो यूटिलाइज करें, लेकिन काउंटर यूटिलाइजेशन के अंदर, कि सेम वैसी ही ख्वाहिशात जो उनको बाहर जाकर रहती हैं कि मुझे नशा करना चाहिए, मुझे ये गलत काम करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, तो उन उन जो है कामों को किसी अच्छे जायज जो है कामों के अंदर जो है लेकर आए। ख्वाहिश पैदा हो रही है कि चलें चलते हैं, जाकर जो है नशे वाले को ढूंढते हैं, नशा खरीदते हैं, घर से निकले और मस्जिद की तरफ जा सकते हैं, घर से निकले किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है किसी अच्छे टीचर के पास जा सकते हैं, किसी घर में समझदार इंसान के पास जा सकते हैं, उनको बताएं मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो रही है, मैं क्या करूं, कैसे बचूं, अपने साइकोलॉजिस्ट से जो है रابطہ कर सकते हैं, या अपने जो है किसी डॉक्टर से जो है जिनसे वो कंसल्ट कर रहे हैं उनसे रابطہ कर सकते हैं कि मुझे जो है ये एहसास पैदा हो रहे हैं, अगर जो है ये अद्वियात की मदद से बेहतर हो सकते हैं आप हमें अद्वियात दें, अगर ये वैसे ही ठीक हो सकती हैं तो हमें बताएं कि हमने वैसे कैसे करना है, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है। तो ख्वाहिशात जो है ये हर इंसान को होती हैं, इसीलिए जो लोग नशे का इलाज करवाकर जो है बाहर जाते हैं इनके अंदर भी ख्वाहिशात पैदा होती हैं, और बहुत सारे लोग जो है इन्हीं ख्वाहिशात की मद में आकर दोबारा नशे की तरफ चले जाते हैं, और जब वो दोबारा नशे की तरफ जाते हैं तो उनका जो है एक टैग लग जाता है कि ये जो है अपनी इन ख्वाहिशात की वजह से जो है नशे की तरफ गया। उन ख्वाहिशात को अगर इंसान जो है सोचना समझना जो है शुरू कर दे और उन चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दे और जो है अपनी लाइफ में जो है ऐसी चीजों को निकाल दे, माइनस कर दे, जो ख्वाहिशात उनको तंग कर रही है माइनस कर दे, निकाल दे, दूर फेंक दे कि मेरे पास नहीं आना, और उनकी जगह नई ख्वाहिशात को वेलकम करें जो उनकी जिंदगी के लिए जो है बहुत सारी जो उन्होंने गोल सेट किए हैं उनको लेकर आए, उनके साथ अपनी साथ जो है ख्वाहिशात की एसोसिएशन करें कि मुझे जो है नशे को छोड़कर जो है ऐसे ऐसे जिंदगी गुजारनी है, मुझे जो है लाइफ में ये अचीव करना है, मेरे जो रिलेशन है रिश्ते हैं जो टूटे हैं मैंने कैसे अचीव करने, मेरी जो स्टडी में प्रॉब्लम आई है, जॉब में प्रॉब्लम आई है या बिजनेस में प्रॉब्लम आई है, मैंने कैसे उस लॉस को पूरा करना है, कैसे अपनी जिंदगी का जो है एक नया मकसद जो है सामने रखना है, इस तरह की ख्वाहिशात पैदा करें, और उन ख्वाहिशात को जो है हमेशा जो नशे से रिलेटेड होती हैं दूर करें, आहिस्ता आहिस्ता दूर करते जाएं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख्वाहिशात आपके पास नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? जब आप उनके ऊपर अमल ही नहीं करोगे, जब आप उनकी कोई बात ही नहीं सुनोगे तो जाहिर सी बात वो वापस ही नहीं आएंगी, शुरू शुरू में तंग करेंगी लेकिन बाद में जो है आपकी जिंदगी से ऐसा दूर चले जाएंगे कि आपकी आने वाली नस्लें भी जो है वो इस चीज की तरफ नहीं आएंगी। नशा एक जहनी बीमारी है जिसका इलाज जो है प्रॉपर तरीकाकार की मदद से जो है किया जाता है। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे जो है व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कि नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने जवाब।